एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज हैं वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने बेसिक टेस्ट को पास करने के लिए और उसी पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद तभी जो फ्रेड है उन्हें बताते हैं कि वो जाने वाले हैं प्रोफेसर क्लेवेल से मिलने और उसी के थोड़ी देर बाद जो हमारे हीरोज हैं वो चले जाते हैं ऑरेंज एकेडमी में प्रोफेसर क्लेवेल के केबिन में, जहां चैंपियन गीता से भी मिलते हैं और उसी बीच जो टेरापोगस है वो अचानक से अपने बैग से बाहर आ जाता है, जिसपे जो प्रोफेसर क्लेवेल और चैंपियन गीता है उसको देख लेते हैं और उसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी एक लाइव टेरापोगस नहीं देखा था क्योंकि उसके बारे में अब तक सिर्फ स्टोरीज में मेंशन था और इस टाइम में टेरापोगस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उसके बाद जुलिको है वो उनको उसके टेरापोगस की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि कैसे वो उसके पेंडेंट से इमर्ज हुआ और कैसे उन्होंने बाकी का अपना एडवेंचर किया। और इसी के बाद जो प्रोफेसर क्लेवेल और गीता है वो उनको टेरापोगस के हिस्ट्री डाटा पे दिखाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि असल में टेरापोगस के एक से ज्यादा फॉर्म है और एक जो उसकी नॉर्मल फॉर्म रहती है और एक जो वो बैटल के दौरान यूज करता है। और उसी बीच उन्हें पता लगता है कि टेरापोगस की एक और फॉर्म है जो कि असल में हमने पिछले एपिसोड में द स्कारलेट बुक में देखा था। जिसके बाद जो गीता है वो उनको बताती है एरिया जीरो के बारे में, जो कि असल में पैलिया रीजन के बिल्कुल बीच में मौजूद है, जहां पे एक बार टेरापोगस के जैसे एक पोकेमोन को देखा गया था। इसके बाद जो हमारे हीरो वहां जाने का डिसाइड करते हैं, जिससे कि उन्हें टेरापोगस के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो उसकी मिस्ट्री को अनकवर कर सके। जिसपे जो गीता है वो भी कहती है कि वो भी उनके इस मिशन में उनके साथ चलेगी, पर उससे पहले प्रोफेसर क्लेवेल है वो चाहते थे कि वो किसी और से मिले जो शायद इनकी इसमें मदद कर सके। जिसके बाद उसी के नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे हीरोज हैं वो एक लाइब्रेरी में है कि तभी एक लेडी जिनका नाम ड्राइफोर्ड होता है वो वहां पे आ जाती है, जिनके पास भी खुद का टेरापोगस होता है बट एक्चुअली में वो एक ज़ोरोवाक होता है जो कि अपने इल्यूजन का इस्तेमाल करके सबको वो बना रहा होगा। इसके बाद जो राय फोटो बताती है कि वो उनके एडवेंचर में उसके साथ जाएगी, बट उससे पहले वो जाएंगे एक फील्ड वर्क पे जहाँ पे वो ट्रेजर हंटिंग करेंगे, जहाँ हमारे हीरोज और राय फोर्ट उस सफर पे निकल जाते हैं और वहाँ असल में उन्हें पता चलता है कि उनका जो ट्रेजर है वो एक गिमी पूल है जो कि अपने साथ कॉइंस रखता है। तो उसी पे जो रॉय है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट तब तक जो गिमी पूल है वो वहाँ से चले जाता है और एक कॉइन को छोड़ देता है जिसको उन्हें कलेक्ट करना होता है। और इसके बाद जो हमारे सारे हीरोज हैं वो उन्हीं कॉइन्स को कलेक्ट करने में लग जाते हैं। जिस बीच हमारे हीरोज को एक अबेंडेंट जगह दिखती है जहाँ वो जाते हैं और उन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड पोकेमोन जो हैं वो रहते हैं और वो जो जगह है वो उससे पहले वहाँ पे इंसान रहते थे बहुत समय पहले, बट अब वहाँ कोई भी नहीं है, बस ये जो पोकेमोन है वो रह गए। इसी बीच जो रॉय है वो बहुत सारे कॉइन्स लेके आ जाता है और इसे देख के सारे शॉक हो जाते हैं कि रॉय को आकर ये कहाँ से मिले। जिसके बाद जो हमारे हीरोज है उनको एक वॉच टावर दिखता है जिसको कि जो रॉय फोटा वो ढूंढ रही होती है और इसी के बाद जो हमारे हीरोज है वो उसी वॉच टावर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ उस वॉच टावर की छत से उन्हें उस पूरी जगह का एक अच्छा व्यू तो मिल ही रहा था, बट साथ ही साथ उसी वॉच टावर पे उन्हें एक गेमी बोल दिखा जो कि अपनी चेस्ट फॉर्म में था। और जैसे ही उन्हें वो दिखा जो रॉय है उसने अपने सारे कॉइन उसी गेमी बोल को दे दिए, जिसपे जो हमारे हीरो था वो पहले तो यही सोचे थे कि असल में रॉय जो है वो क्या कर रहा है, बट बाद में उन्हें पता चलता है कि असल में जो गेमी बोल है उसने रॉय को कंट्रोल किया था ताकि वो अपने सारे कॉइन उसे दे दे और उसके बाद जो गेमी बोल है वो भी वहां से चले जाता है। बट इसी में जो रॉय फोर्ट है वो हमारे हीरोज को वही जो सेक्रेट प्लेस पैराडाइज है जिसको हमारे हीरोज ढूंढ रहे होते हैं, जो कि एशियन एडवेंचरर लूशियस और उसके टेरापोगस की स्टोरी होती है, उसके बारे में बताते हैं, जिसपे उसके बारे में बताती है। उसको सुन के जो हमारे हीरोज है उस पास्ट को जानने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और इसके अगले ही दिन जो प्रोफेसर क्लेवेल हैं वो अपनी स्पीच देते हैं और उसी के बाद जो डेंड्रा है वो उन्हें उनके नेक्स्ट चैलेंज के बारे में बताती है कि उन्हें एक जिम लीडर से बैटल करनी होगी, बट इस बार वो अपने दो पोकेमोन्स यूज कर सकते हैं उस बैटल के दौरान और उनकी जो जिम लीडर्स की डिटेल है वो उनको उनके रोटोन फोन पर मिल जाएगी। जहाँ पे जो लीको है उसको मिलते हैं ग्रूशा का जिम, ग्रूशा जिससे कि वो पहले मिली थी इससे पिछले एपिसोड में। और इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो अपने इस बैटल में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जैसे ही वो सेंटर पर निकलने वाले होते हैं कि तभी जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।